पापा पापा जल्दी चलो, सानी नागिन को छोड़ के नई नागिन भाई, ये मेरी फितरत है। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं है तुझे? गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम चोपटा, इट्स 5 इन द मॉर्निंग। एक्चुअली वी एक्सपेक्टेड कि हम 3 बजे यहाँ से निकलेंगे, बट सुबह काफ़ी बारिश थी और मौसम क्लियर नहीं था। अभी थोड़ी विजिबिलिटी हो गई है सागर। मॉर्निंग, इसलिए मॉर्निंग ब्रो, मॉर्निंग यार, इसलिए अभी तो सर मौसम साथ खुल रहा है, मौसम क्लियर है। आई होप कि हम कोई सनराइज से कोई व्यू देख पाए। अच्छा हम 3 तो आ गए हैं। वो कुछ भी कर सकती हैं। मैं तैयार हुए, आधा घंटा हो गया अंदर से चिल्लाए जा रही है, दो मिनट दो, दो मिनट दो, दो मिनट बोल के आधा घंटा कौन करता है यार। सो फाइनली गाइस, गर्ल्स आर हियर। भले उन्होंने काफी टाइम लगाया, देख 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 आउट ऑफ फोकस जा रही है, देख देख देखिए इस चेहरे को, यही हो जिन्होंने मेकअप करने में वो ऑल इन द। हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया है 5 o'clock, लेट्स सी हम कितने बजे तक ऊपर पहुंच जाएंगे। जुगल वहां जाना है, लेट्स होप कुछ तो दिख ही जाए एटलीस्ट। नहीं वो तो पक्का कंफर्म है, हम सुबह जल्दी निकल जाते हैं, बट बारिश काफ़ी हो रही थी और कुछ भी खुला हुआ नहीं था। सो हम एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं तुंगनाथ टेंपल के, और मार्केट पूरी क्लोज है। तो गाइस दिस इज द गेट, जय शिव शंभू भोलेनाथ, हर हर महादेव। इन्फॉर्मेशन अबाउट तुंगनाथ टेंपल, लोकेटेड द एल्टीट्यूड ऑफ 3680 meters and is one of the highest Shiv temple in the world, believed to be 5000 year old temple itself. So information aap pad lijiyega, hum late ho rahe hain actually, so main aapko bata nahi paunga exactly. And idhar side hindi mein iska convert karke likha hua hai, aur kafi acha monastery wala ise look diya hua hai. So let's continue guys. After 1 kilometer, आपको एक बहुत ही शानदार प्लेस दिखेगी। तो ये हमारे साथ जो नीचे से आए थे कुत्ते, सारे के सारे बेचारे भूखे आए थे, हमने हम बिना बिल्कुल कोई वो भी नहीं था, कि शर्त भी नहीं थी कि चलो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। लेकिन यार, नहीं यार, इस वाले ने पाल लीजिए सुन लिया था, ये वाला था ना, इसने पाल लीजिए सुना था। लेकिन इनको खिलाना पड़ता है। क्या चीज़? ये भौंक रहा है भाई, 4 कुत्ते हैं अपने साथ, ठीक है? देख देख देख, चलो भाई साहब आया। सो गाइस, काफी आने के बाद भी मुझे लग रहा है व्यू दिख पाएगा नहीं पाएगा, डाउट है, क्योंकि नीचे तो कुछ खुला है नहीं। द बेस्ट थिंग यार, इसकी रास्ता काफी अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं है चलने में, बिल्कुल प्रॉपर एकदम पूरा, वो भी रेलिंग्स के साथ। थक सकता है, वो ऐसे चल सकता है। ओ, ओ, ओ। कितनी एक्सरसाइज हो गई? पता नहीं लास्ट टाइम कब चली थी, याद भी नहीं है कब चली थी। बड़ा अच्छा है ना, मजा आ रहा है। तो ये प्रैक्टिस में नहीं आया, सीधे फाइनल के लिए। इसने बेसिक हाइकिंग कोर्स नहीं किया है। सही में यार, मेरे प्रो बनना चाह रहे। गाइस, अगर थोड़ा भी वेदर क्लियर होता तो हम बहुत अच्छे अच्छे माउंटेन्स कवर करते, बट कितना ग्रीनरी है बुग्याल ऑल अराउंड। He's busy.
वो वहां पहुंच गए गिट्टो यार, चल ना प्लीज। सो एक मानुष जो परस्त हो चुके हैं, आधी चढ़ाई भी नहीं चढ़ सके अभी तक, लेकिन इसको मानना पड़ेगा, ही इज सो फेथफुल यार। सिर्फ हमारे रुका यार, बाकी इसके सारे साथ वाले चले गए। और सो भी नानी आ रही, नानी देखी भी नहीं, नहीं। Oh guys, you literally witness this thing with your own eyes, guys. Please, you should. So guys, just 400 to 500 meter left, और we are on final move. काफ़ी ऑक्सीजन लेवल इधर कम है, बट ठीक है, इतना हार्ड भी नहीं है, आप कर सकते हैं। बट यहाँ से जो व्यू आ रहा है, मैं चाहता हूँ एक बार आप ना खुद आएँ, शिव जी भगवान के दर्शन करें और यहाँ से जो व्यू है फील करें, प्योर प्योर गाइज, रियली प्योर। और इसे देखिए, ये स्टार्टिंग से हमारे साथ है, और इस कुत्ते की खास बात ये है कि ये जो लास्ट बंदा होता है ना ग्रुप का, उसके साथ चलता है, बिकॉज हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो आगे चले गए, लेकिन ये मेरे साथ है। सो गाइस, एज़ आई टोल्ड कि जस्ट 400 टू 500 मीटर्स लेफ्ट एंड हम जस्ट बेस में पहुंच गए तुंगनाथ के, और वो सामने है तुंगनाथ टेम्पल। सो गाइस, जो लास्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी कि वो लास्ट शॉप है, वो लास्ट नियरबाई शॉप नहीं है, हम ऊपर आए नहीं थे, इधर काफ़ी शॉप्स हैं। ये देखिए भैया जी की शॉप है, एक इधर पे शॉप है, जैसे कि पहले खरगोश, खरगोश नहीं और चूहा है भाई, एंड बस हम तुंगनाथ के मेन गेट पर पहुँच ही गए हैं। हम लोग नीचे चोपटा में रुके थे, हमें पता नहीं था कि इधर ऊपर भी स्टे कर सकते हैं, अगर हम कल रात इधर आ जाते तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं हम श्योरली सनराइज़ देख लेते। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि नीचे रुकने से अच्छा आप ऊपर आके इधर ही रुकिए, भले आपको उस दिन फर्स्ट डे ट्रैवल करना पड़ेगा कंटिन्यूस यहाँ तक, बट इट्स बेटर कि आप फर्स्ट डे ट्रैवल करें और मॉर्निंग होते ही सुबह यहाँ से आराम से 4-5 बजे उठ के सनराइज विटनेस करें, सीरियसली गाइस। सो फाइनली गाइस, काफ़ी ट्रैवल करने के बाद हम चंद्रशिला पहुँचे, सॉरी तुंगनाथ पहुँचे, बट द रिजल्ट इज टेम्पल इज क्लोज ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। पर ठीक है यार, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तो मन में ही भगवान है, राइट? बिल्कुल यार, वो बोलते हैं ना कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, तो हमने बहुत खूबसूरत सफर। यहाँ पे इतनी ठंड है ना कि जुखाम लगा पता नहीं चला। रोंगटे खड़ा, ये देखो यार, इसे बोलते हैं रोंगटे खड़ा होना, देखो इसे बोलते हैं रोंगटे खड़ा होना, देखो अभी बैठ गया थोड़ा बट इसे क्योंकि तू बैठ गया ना इसलिए तेरे रोंगटे बैठ गए, ठीक है। This is तुंगनाथ टेम्पल मेन एंट्रेंस एंड यहाँ लगा है ताला, जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, बट ठीक है, आप बाहर से व्यू दिखाता हूँ। जय बाबा तुंगनाथ, तृतीय केदार ऑल्सो नोन एज, और काफ़ी बड़ा है। मैं होप करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर हम यहाँ आएँ तो वह फर्स्टली तो हम यहीं रुकेंगे, जैसे कि मैंने बताया नीचे चोपटा नहीं रुकेंगे, ऊपर आराम से तुंगनाथ, ये नीचे पे आपको बहुत सारे होम स्टेज वगैरह दिख जाएंगे, तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं, आके मॉर्निंग में सनराइज़ विटनेस कर सकते हैं जो काफ़ी खूबसूरत है। वो यहाँ के पंडित जी हैं जिन्होंने हमें बताया कि थोड़ा मंदिर कोरोना से क्लोज है, पर ठीक है। सो गाइस, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड अक्षकुंड, नंदी और गणेश जी भगवान दो हैं। सो दिस इज़ द वे टू मेन टेम्पल, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एंड अगर हम ये रास्ता कंटिन्यू करें तो हम चंद्रशिला की ओर को हिट करेंगे। ये रास्ता वाले रास्ते से काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज़
कोई भी आपको सिक्योर्ड रेलिंग्स वगैरह नहीं दी हैं। जो मेन टेम्पल से उससे काफ़ी डिफरेंट रास्ता है, सो इधर आपको काफ़ी अपने स्टेप्स संभल के रखने पड़ेंगे। हालांकि रास्ता चौड़ा है, थोड़ा ध्यान देते हुए चले। जैसे मैं आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ, कैप्चर्ड शॉर्टकट मेरी आएंगे नहीं, सब चीजें करनी है, कैसे चलेंगे? गाइस इधर से घूम के भी उधर जाना है और उधर से घूम के भी इधर ही जाना है, सीधा सीधा चलते हैं, ठीक है? चढ़ाई तो है ही है। तो भाई जिस दिन आओ तुम ना जाओ चोपटा में, मत रुकना छोड़ा एक घंटा। अगर आप स्टे करना चाहते हो चोपटा थोड़ा है तो बहुत खूबसूरत लेकिन छोटा सा है। अगले दिन तुंगनाथ भी और चंद्रशिला भी कवर करूँगा और घर भी वापस बहुत टफ है। जिसकी मम्मी घर में स्ट्रिक्ट हो उसके लिए और टफ है। हमने सोच रही है कि हम 30 को घर पहुँच जाएंगे, लेकिन भाई मेरी क्या फिक्र है तुझे, क्यों आग से दरिया बहता है। सो गाइस हम तुंगनाथ क्रॉस करके चंद्रशिला की ओर को बढ़ चुके हैं और रास्ता काफ़ी ब्यूटीफुल है, व्यू काफ़ी मैसमराइजिंग है, बट जो चढ़ाई वो एकदम 70 degree एलिवेशन है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है। हमारे साथ दो आए वो पता नहीं कहाँ है, दिखाओ नीचे दिखाओ, दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे उनका। अभी हमने सोचा घर भी जाना है, जैसा कि आपको पहले बताया था मम्मी इंतज़ार कर रही है, तो हमने सोचा अभी हम जाके फटक से चंद्रशिला ठोकाते पहुंचाते हैं, वो आते रहेंगे ओले ओले। सबसे अच्छी चीज़ हो गई, एटलीस्ट थोड़े क्लाउड आ गए। एक और गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड चंद्रशिला, लुक एट द व्यू गाइस, प्लीज कम तुंगनाथ, एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ नेचर। शब्द नहीं, सच्ची शब्द नहीं, स्पीचलेस, ऐसी खूबसूरती। उत्तराखंड में आज देखने 25वां साल निकल चुके हो, मगर आज देखने को मिले चौथाई थोड़ी ना चाहिए, एक तिहाई, एक चक्कर तक की 1/3 है। जो इंग्लिश वाले भी बहुत हैं यहाँ पे, तो उनके लिए 1/3 मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा जी चुका हूँ, उसके बाद मेरे को सुंदरता देखने को मिल रही है। मैं अपने बच्चों को बहुत पहले दिखा दूँगा, मैं आता रहूँगा। मैं अपनी दीदी को भी लेके आऊँगा। हमारे दो पार्टनर्स भी नीचे बैठ गए। जुगल सो गाइस हम यहाँ पहुंचे, काफी वक्त हो गया, फ्रेंड का वेट कर रहे थे वो भी आ गए, पार्ट ऑफ द चंद्रशिला ट्रैक। जुगल ने नीचे से ऊपर आने तक इतने कपड़े उतार दिए। अगर थोड़ा और चढ़ना बेचारा घसीट के ला भाई, क्या क्या बोलोगे, नाग धड़वा घोड़ा और इसका मतलब ये है कि तू जानवर है भाई, इसका मतलब ये कि मैं ऑलराउंडर हूँ, आई एम टैलेंटेड यार। तो जैसा कि आपने लोगों देखा होगा इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ये कि जो ये ट्रिप था ये एज नी ऑल ऑफ अ सडन बनाए, बहुत पहले से प्लान है, बहुत सब एक साथ बनाएंगे और एक साथ सबकी टी शर्ट, ऐसे ये टी शर्ट बनाने का काम एक्चुअली हम यहाँ थे नहीं तो हमने किसी और को दिया, वो है ये, गौर से देखिए इस पर। इसने पता नहीं है माउंटेन स्टोरिंग कहाँ एक जैसे झंडा जैसे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ बैंड वाला कैसे कहते हैं, शक्ल दिखाओ ये देखो, ये है आर्ट और ये आर्टिस्ट। हाँ अभी जब हम आए थे हमने पूरा हिमालय का रेंज का व्यू दिखाया था, लेकिन अब देखो पूरा वाइट, इतने जल्दी यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है और मेरे को लगता है कि हम बहुत लकी हैं, ज़्यादा वेट नहीं किया और हम ऊपर आ गए और हमें वो व्यू मिल गया। एक की दुखी है क्योंकि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो गाइज हम जितनी भी फन एक्टिविटीज़ फोटोग्राफी वगैरह करते हो यहाँ कर रहे थे, एंड यहाँ से जस्ट 20 मीटर्स आपको मिलेगा चंद्रशिला, दिस इज़ द हाईएस्ट पीक हियर, ये माता का मंदिर है गंगा धाम।
ये चंद्रशेखर हमने जस्ट कंप्लीट किया है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का, राइट गाइस? बहुत ही प्यारा। अभी तो फिर भी ये सब कोहरा आ गया तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो व्यू देखा था हमने हिमालय का और जो यहाँ का व्यू है, जो यहाँ के पहाड़ है, जितना सुकून यहाँ है, वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते उसको। बिल्कुल महादेव की हम चरणों पे आए हैं। सो गाइस, हेडिंग टुवर्ड्स बेस चोपटा और फिर वहाँ से हम निकलेंगे। आज सोचा है ऋषिकेश तक जाने का और रास्ते में आएगा ओखीमठ एंड रुद्रप्रयाग, तो हम वो दोनों कंप्लीट करेंगे। इट्स अ फाइनल बाय 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 टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। जन्नत है भाई, गोरी आ रही है। ये देखिए इस नाग को, ये अपनी नई नागिन के साथ नजारों के मजे ले रहा है और अपनी पुरानी नागिन को उधर ही छोड़ा। अजगर है वो, अजगर है। भाई निकल लो, तुझे आ जा, सही है, एक महीने का खाना हो जाएगा। इतना बड़ा खाना है एक महीने का, वो कैसी खुशी है ये। अंकल आपको इसकी शक्ल नाग जैसी लगती नहीं, बताओ, नाग प्रॉपर नाग लगती ना। चुप रहो यार। तेरा दिन आया, मेरी रात आई। क्या करते? So finally, हमारा जो तुंगनाथ था वो कम्प्लीट हो गया है और ये तुंगनाथ की लोकल मार्केट है जो मॉर्निंग में शायद आपने देखी होगी बंद थी। अरे चल रहे हैं यार, बहुत बहुत सुकून मिल रहा है। जो ये नीकैप होते ना, नीकैप ये काफी घिस गए थे।